नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें मैं बात करने वाला हूँ अपनी कार में लगे हुए हेला के प्रोजेक्टर जो फॉग लाइट है उनके बारे में। दोस्तों जब मैंने कार परचेस की थी तभी इनको इंस्टॉल करवाया था आफ्टर मार्केट, और मेरी कार को करीब 3.5 साल होने वाले हैं। तो 3.5 साल के बाद जो है इन फॉग लाइट का जो है परफॉर्मेंस कैसा है इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो ये जो फॉग लाइट है दोस्तों मैंने आफ्टर मार्केट 4,000 रुपये के लगवाए थे जब मैंने कार परचेस की थी। अभी इनका प्राइस जो है थोड़ा कम हो गया है, और अगर आप ऑनलाइन इन्हें परचेस करेंगे या आफ्टर मार्केट परचेस करेंगे तो करीब 1300-1400 रुपये में एक फॉग लाइट आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि जो फॉग लाइट है इनमें जो है लेंस दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो फॉग लाइट है प्रोजेक्टर वाली है, तो यहाँ पर लेंस दिया गया है और इसकी जो रोशनी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, नाइट में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। एक खास बात ये भी है दोस्तों, आप सोच रहे हो कि आज का LED जो है फॉग लाइट है उनका ज़माना है, लेकिन मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि LED फॉग लाइट जो होती है वो कोहरे के समय या विंटर के सीज़न में जो है प्रॉपर काम नहीं करती। तो मैंने जो है इसमें नॉर्मल जो हेलोजन बल्ब इसके साथ आता है वही लगाया हुआ है, कोई भी बल्ब चेंज नहीं किया। तो आप चाहें तो LED बल्ब भी लगवा सकते हैं, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं इसकी रोशनी काफ़ी जो है अच्छी है, और इसकी विजिबिलिटी के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन मैंने उसका लिंक दिया है। तो अब जो है दोस्तों मैं आपका इसका जो स्विच है, इसका जो ऑन ऑफ करने का स्विच है जो कि मैंने आफ्टर मार्केट ही लगवाया था, वो भी चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर जो स्विच लगा हुआ है इसको ऑन ऑफ करने का, तो ये भी ब्लिंक करता है, ये भी ऑन हो जाता है, बट किसी कारण बस अभी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो आप भी जो फॉग लाइट लगवाएं तो इसी तरह का जो है ब्लिंक करने वाला स्विच लगवाएं, ताकि आपको पता चल जाए दिन में कहीं हमारी कार के फॉग लाइट ऑन तो नहीं है। तो ये जो फॉग लाइट है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया 4,000 रुपये के मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए थे, और इनका जो प्राइस है अभी थोड़ा कम हो गया है। अगर आप इनको लगवाएंगे तो जो है करीब 3,500-3,000 में लग जाएंगे। और ये जो फॉग लाइट है इसका मॉडल नंबर वगैरह भी इस पर मेंशन है, तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है इसका मॉडल नंबर और बाकी डिटेल भी दी हुई है, और इनका जो साइज़ है वो 60 mm है। तो अगर आपकी कार में 60 mm साइज़ का जो है फॉग लाइट लगाना हो तो आप इनको लगा सकते हैं, इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर आप देख लीजिए हेला की ब्रांडिंग भी दी गई है, और इसका जो लेंस है आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा जो है ये ग्लो कर रहा है। तो ये जो फॉग लाइट है दोस्तों इनसे मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और इनका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आप इनको परचेस करना चाहते हैं तो आई बटन पे मैंने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, और इस फॉग लाइट के बारे में मैंने 2 वीडियो पहले ही बनाए हुए हैं, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो जो है आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और फॉग लाइट के बारे में मैंने एक अलग से जो है वीडियो बनाया हुआ है, फॉग लाइट आपको किस तरीके लगवाना चाहिए उसके बारे में, तो इसका लिंक भी मैं आपको आई बटन पर दे रहा हूँ। और दूसरी साइड का जो फॉग लाइट है आप उसको भी देख लीजिए, यहाँ पर जो है इसकी जो फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर है। आपको मैं बता दूं कि ये जो कार है ऑल्टो KTN है, तो यहाँ पर जो है इसकी फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर आती है, हालांकि इसमें कुछ अटैचमेंट आपको लगाने होते हैं तब जाके ये ठीक से फिट होता है, और अदर कार में ये नॉर्मली फिट हो जाता है। और जो नई ऑल्टो 800 आ रही है उसमें ये फिट नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपको आइस क्यूब फॉग लाइट लगवाने होते हैं, और उनका जो फॉग लाइट का जो एरिया है उसका डिज़ाइन भी अलग है। एक बात और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो फॉग लाइट है लो बीम वाले हैं, मार्केट में हाई बीम वाले भी फॉग लाइट सेम जो है अवेलेबल हैं, बट आपको हमेशा लो बीम वाला जो है फॉग लाइट का ही यूज करना है, लो बीम वाले बल्ब का ही यूज करना है, क्योंकि दोस्तों हमको जो फॉग लाइट होते हैं उससे रोशनी जो है रोड पर चाहिए होती है, ना कि सामने की तरफ। तो हमेशा लो बीम वाले फॉग लाइट का यूज अपनी कार में करें। और ये जो फॉग लाइट है दोस्तों पूरी तरह से वाटर प्रूफ भी है, और जैसा कि मैंने बताया 3 साल से भी ज़्यादा समय हो गया इनको मैं यूज कर रहा हूँ, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो अगर आप लगवाना चाहते हैं अपनी कार में तो इनको बिल्कुल लगवा सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं आने वाला है, बहुत ही अच्छी जो है फॉग लाइट की विजिबिलिटी है। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों इन फॉग लाइट्स के बारे में, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।